हिंदुस्तान की गायकी की पूरी दुनिया मुरीद रही है और इनमें से एक विद्या है ख्याल। और आज हम जिस ख्याल की बात कर रहे हैं उसे ईजाद किया है जागीरदार अलीबख्श ने। और दिलचस्प बात इसमें यह है कि इस ख्याल की सारी रचनाएं हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है। गाने में बेहद मुश्किल इस ख्याल की क्या है खासियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुविधाओं का आराम नहीं, जीवन दिले सुकून का जज्बात तलाशता है। रसूख की नुमाइश नहीं, यहाँ कला का अंदाज। चारों तरफ कदरदानों का हुजूम, खनकते साज और गाते कलाकार। ये मंजर, ये मजले गवाह है अलीबख्शी ख्याल के नामचीन होने की। अलीबख्शी ख्याल गायकी की एक ऐसी विधा जिसकी कई दशकों से कद्र और कद्रदान तो बढ़ते रहे, लेकिन इसको गाने वालों की तादाद लगातार कम हो रही है। लेकिन इसके चाहने वाले लगातार इसका नाम ऊंचा करने में लगे हुए हैं। हर साल मई के महीने में होने वाले इस आयोजन में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक विशिष्ट कार्यक्रम हो रहा है इस पे अलीबख्श पे। 303 दशक से लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है, जो कि हर मई महीने के आखिरी गुरुवार को ये आयोजित होता है हर साल। और इस बार ये अच्छी बात है कि ये अलीबख्श पैनोरमा के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और अलीबख्श पैनोरमा जो प्राधिकरण है, संस्कृति प्राधिकरण, तो उसके द्वारा ये बनाया गया है मुंडावर गांव के अंदर। बड़ा शानदार पैनोरमा है और आगे चल करके ये अलीबख्श के जो गायकार और कलाकार हैं, उस शैली के लोक शैली के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छी खबर थी। और अब तो पैनोरमा बन के तैयार है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब कार्यक्रम चल रहे हैं। गाँव देहात में सदियों से गाए जाने वाले इस ख्याल को एक संगठित और संरचित रूप दिया गया है। अब इसमें कई नामचीन गायक लगातार शिरकत कर रहे हैं। यहाँ मुंडावर में अलीबख्श जी का हर साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। वो यहाँ के अच्छे कलाकार जिन्होंने 9 ख्याल रचे थे, उनका ये हर साल यहाँ पे कार्यक्रम होता है। मैं भी इसमें अपनी प्रस्तुति देने के लिए आया हूँ और मैं अलीबख्श गायक कलाकार हूँ। आयोजक पैनोरमा बनने से खासे उत्साहित है और इस ख्याल को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो निरंतर विकास की गति को प्राप्त करेगा और युवा साथी जो है, बच्चे हैं, उनको हम इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि ये जो कला है वो लुप्त ना हो। एक जागीरदार के कलाकार बनने का किस्सा सदियों से यूं ही संजीदगी से सुना और सुनाया जाता है। अलीबख्श ख्याल के इजाद होने के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार राजस्थान के बड़े जागीरदारों में शुमार अलीबख्श ऐसे ही कार्यक्रम में गए थे। वो इत्तफाकन मंच पर कलाकारों के लिए लगे एक मुड्डे पर बैठ गए। तभी किसी ने कहा कि चाहे वो कितना ही रसूखदार क्यों ना हो, इन मुड्डों पर सिर्फ कलाकार ही बैठ सकते हैं। जनाब अलीबख्श को ये बात इस कदर चुभ गई कि उन्होंने अपने ही नाम से एक ख्याल की रचना कर डाली। ख्याल भी ऐसा जिसे गाने और सुनने वाले दोनों ही खास होते हैं। अलीबख्श के गायन ये राग और रागच अलग है, उन सब चीजों का अलग है। 8 मात्रा, 10 मात्रा, 12 मात्रा, 16 मात्रा इनके साथ भी नहीं मिल सकते। अजमी इनकी 3 धा है जो हर एक साजिंदा बजा नहीं सकते, हर एक साजिंदा 3 धा दे नहीं सकते, हर एक चीज गा सकते। इसकी चीजें गाने में बहुत ही दुर्लभ है, सीखना पड़ता है, गुरुओं को बनाना पड़ता है जब गाया जाता है, हर एक व्यक्ति नहीं गा सकता इनको। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रेम के धागे से कसकर बांधने वाला ये ख्याल ऐसे ही कई वाक्य आपके सामने पेश करता है, जहाँ कला सिर्फ कला है जो मजहब और रिवाजों से भी आला दर्जा रखती है। ये ख्याल जब भी गाया जाता है श्रोताओं की धड़कनों में इस कदर रम जाता है कि लोगों को ना तो रात का गुमान रहता है और ना ही शहर का इल्म। उम्मीद है कि अलीबख्श पैनोरमा बनने के बाद इस अनूठी कला को ना सिर्फ संजोए रखने में मदद मिलेगी
बल्कि इसे गाने और सुनने वालों की तादाद भी बढ़ी है। Cause I'm a zero.